हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रिया शर्मा और स्वागत है आपका हमारे नव भारती परिवार में। आज है लेक्चर 8 और हम आज लेक्चर 8 में पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसे हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि डिपेंड करती हैं किस पे? सॉल्यूट पे। किस पे डिपेंड करती है? सॉल्यूट पे, ठीक है। जो कि सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, बट नॉट डिपेंड, किस पे डिपेंड नहीं करती? नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती है दैट डिपेंड ऑन सॉल्यूट बट नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो आई होप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको क्लिक किया होगा माइंड में। तो देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हम इसके अंदर चार टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज करेंगे। तो पहली जो प्रॉपर्टीज है मैं आपको बताती हूँ, जो प्रॉपर्टी हम पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर, इससे पहले भी वेपर प्रेशर पढ़ा है, उसके अंदर हमने क्या एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, जो कि वेपर प्रेशर के लिए था एक्सप्रेशन। उसमें कहा गया था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 1 इज इक्वल टू P01 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 1। ये 1 क्या है? सॉल्यूशन का टाइप 1, ठीक है ना, जिसके अंदर हम लोग कंटेन कर सकते हैं। सपोज टू भी मैंने बात की थी वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड में, P1 हम किसको बोल रहे थे? सॉल्वेंट को बोल रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके का जो है हमारा एक एक्सप्रेशन निकल के आया था, P1 इज इक्वल टू P01 मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, ये हमारा एक्सप्रेशन है। तो अब हमें ये पता लगाना है कि कैसे जो वेपर प्रेशर है या जो चेंज ऑफ वेपर प्रेशर है, ठीक है, वो कैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर चेंज ऑफ, या मैं बात करूं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, कि कितना जो है चेंज आया है वेपर प्रेशर में। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, सबसे पहले सपोज करिए अगर मैं चेंज ऑफ वेपर प्रेशर की बात करूं, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो देखिए P1 हमने यहाँ पर क्या कंसीडर कर रखा है कि ये सॉल्वेंट का है ना, किसका है? सॉल्वेंट का है ना। तो देखिए लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की मैं बात करूं, या मैं इसे कह दूं रिडक्शन, या क्या कह दूं? रिडक्शन। तो देखिए डेल्टा P1 इज इक्वल टू क्या होगा? P1 नॉट माइनस P1, ठीक है, P01 माइनस P1, ये हमारा एक्सप्रेशन निकल के आएगा अगर मैं बात करती हूँ रिडक्शन हुआ है वेपर प्रेशर में। क्योंकि P1 अगर जब P01 से P1 कम आएगा तभी तो लोवरिंग होगी ना वेपर प्रेशर की। तो डेल्टा P1 का एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया P01 माइनस P1, ठीक है। तो देखिए अब अगर इस हिसाब से मैं इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर मैं लिखती हूँ डेल्टा P1 P1 नॉट माइनस P1 की वैल्यू मैं यहां से लिख दू, क्या आएगा? ठीक है, डेल्टा P1 इज इक्वल टू P01 माइनस P01 और मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, ये हमारा एक्सप्रेशन निकल के आ गया है ना। अब अगर मैं बात करूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ डेल्टा P1 इज इक्वल टू, मैं यहां पर अगर P1 नॉट अगर कॉमन ले लू तो क्या कर सकती हूँ? 1 माइनस X1, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हमने पढ़ा था X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1, और मैं यहाँ पर 1 माइनस X1 को क्या लिख सकती हूँ? X2, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को हम ये भी लिख सकते हैं P1 नॉट X2, यानी डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X2, ये एक्सप्रेशन भी हमारा निकल के आ जाएगा। तो अब देखिएगा, यहां हम बात करेंगे, यही हमारा लास्ट एक्सप्रेशन आ चुका है, ये हमारा लास्ट एक्सप्रेशन आ चुका है।
तो देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा पी पी वन नॉट इज इक्वल टू एक्स टू लिख सकते हैं, पहली चीज। ठीक है, अब आप देखिए अगर डेल्टा पी, इसको मैं पी वन कर देती हूं, अगर डेल्टा पी वन अपॉन पी नॉट वन इज इक्वल टू एक्स टू है, तो डेल्टा पी वन की जगह मैं ये वैल्यू लिख सकती हूँ, तो क्या आ जाएगा, पी वन नॉट माइनस पी वन अपॉन पी वन नॉट इज इक्वल टू एक्स टू। इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे ही हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, पी वन नॉट माइनस पी वन अपॉन पी वन नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन टू। ठीक है, यानी मैं बोल सकती हूँ सॉल्यूट भी बोल सकती हूँ, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो देखिए अब इसके आगे अगर हम चलें तो हम x2 को कैसे लिख सकते हैं, x2 क्या है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 क्या है, क्या लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 को, पता ना फॉर्मूला, n2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन n1 प्लस n2, ये लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ, इस एक्सप्रेशन को मिटाती हूँ। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम इसे। अब देखिए ये एक्सप्रेशन में अगर हम बात करें डाइल्यूट सॉल्यूशन की, तो इसके अंदर जो n1 होता है, जो n1 होता है वो बहुत ज्यादा होता है n2 के, या फिर हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि n2 इज लेस देन ऑफ n1। ठीक है, अगर n1 बहुत ज्यादा है और n2 बहुत कम है, ठीक है, तो हम n2 को इग्नोर कर सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। ठीक है, तो चलिए ये जो चीज है मैं इसे इस वाले एक्सप्रेशन में लिख सकती हूँ, तो क्या आ जाएगा, p1 नॉट माइनस p1 अपॉन p1 नॉट इज इक्वल टू x2 की जगह मैं इसे x2 भी लिख देती हूँ और इज इक्वल टू क्या कर देती हूँ n2 अपॉन n1। लिख दिया, क्या आ गया n2 अपॉन n1। आई बात समझ में, अब अगर मैं बात करूं, मुझे बताइए n2 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं n2 की बात करूं तो क्या निकल के आएंगे, यहां पर बताती हूं मैं आपको, देखिए है ना, मैं बात करूं नंबर ऑफ मोल्स अगर n2 की बात करती हूं, तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते थे, कैसे निकालते थे, वेट ऑफ गिवन वेट या गिवन मास मैं बात कर लेती हूं टू एंड मोलर मास। अगर मैं n1 की बात करूं तो n1 इज इक्वल टू w1 अपॉन m1, तो अब हम ये वैल्यूज उसके अंदर रख देंगे, इसमें लिख सकती हूँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, अगर लिखती हूँ मैं अगर, तो क्या आ जाएगा, p1 नॉट माइनस p1 अपॉन p1 नॉट इज इक्वल टू, लिखे रखें इसमें n2 अपॉन n1 में, n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू w2 अपॉन m2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये लिख के आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, समझ में आई, ये वैल्यू मैंने इधर रख दी है। ठीक है, ये वैल्यू मैंने n2 अपॉन n1 की वैल्यू जो ये वाली थी मैंने इसमें रखी है और ये एक्सप्रेशन हमारा आ गया है। अब आप कहेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो आप इससे देखो कि जो ये जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली डिपेंड है किस पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पे, n2 पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पे। ठीक है, और ये चीज हम तो इससे भी देख सकते थे कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पे अगर डिपेंड है तो ऑब्वियसली बात है ये प्रॉपर्टी कैसी हो गई, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आई होप आपको ये एक्सप्रेशन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और यही एक्सप्रेशन जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे आप जो है m2 का वेट भी निकाल सकते हो सॉल्यूशन के लिए और m1 भी निकाल सकते हो। ये आपका इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आता है जो कि इसमें काफी सारे न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, नेक्स्ट टॉपिक, इसको रब करते हैं फटाफट। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग, अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट,
ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है तो हम इसको भी प्रूफ करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कभी भी कोई सॉल्यूशन होता है, अगर सपोज करिए कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, हमने इसके अंदर अगर डाल दिया क्या, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मैंने अगर डाल दिया तो जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर कम हो गया, अब ऐसी कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो अगर जब बॉइलिंग पॉइंट कम है तो उस बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाने के लिए ना तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है भाई। सीधी सी बात है, सॉल्यूशन में हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, जैसे ही नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं वेपर प्रेशर हो गया डिक्रीज, ऐसे में बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब उस कंडीशन में हमारे पास बचता है टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को आप अपने दिमाग में रखिएगा। अब अगर मैं बात करूं कि बॉइलिंग पॉइंट की होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, देखिए आप बचपन से या 9-10 से जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है उसको आप साइड में रखिएगा। इस पॉइंट पे जो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन होती है वो होती है, मतलब क्या सीखेंगे हम, इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर। क्या मतलब हुआ इसका, कि बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो इक्वल हो जाएगा किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। और जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एकदम इक्वल हो जाए, और इक्वल होने पर बॉइलिंग पॉइंट की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो अब से आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। तो चलिए अब मैं आपको समझाती हूँ कुछ ग्राफ के थ्रू हम इसका एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जानते हैं। और तो अब मैंने ग्राफ ले लिया है, किसके किसके बीच में, वेपर प्रेशर के बीच में और टेम्परेचर के बीच में। टेम्परेचर को थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। यहां मैंने जो लिमिट ली है वो ली है 180, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हम बात करेंगे, है ना, क्योंकि यहां पर बॉइलिंग पॉइंट है, मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी। अब आपको पता है अगर प्योर सॉल्वेंट है और वेपर प्रेशर टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड होगा, कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा प्योर सॉल्वेंट की अगर अपन बात करें, क्योंकि वो वोलेटाइल होता है, ठीक है। तो हमारा ग्राफ कैसे आएगा, ठीक है, ये हमारा किसका ग्राफ हुआ, प्योर सॉल्वेंट का, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। बात आई समझ में। अब अगर हमने सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जरूरत होती है, मैंने यहां पर क्या किया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया सॉल्वेंट के अंदर, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम। वेपर प्रेशर कम हो गया तो ग्राफ आएगा नीचे, क्या आ जाएगा, ग्राफ आएगा नीचे, ठीक है। और ये किसका है, सॉल्यूशन का ग्राफ, किसका ग्राफ है, सॉल्यूशन। अब अगर मैं 180 पे कंपेयर करूं टेम्परेचर को, तो क्या टेम्परेचर आ रहा है, क्या आएगा ग्राफ हमारा, इस पॉइंट को मैं क्या बोल दूंगी, वन एटमोस्फेरिक प्रेशर पर जो है उसे मैं बोल दूंगी टीबी नॉट, मैंने उसको बोल दिया है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं वन एटमोस्फेरिक प्रेशर पे ही सॉल्यूशन का, तो कितना आएगा, इसे बोलते हैं हम टीबी, ठीक है, टी बी, टेम्परेचर एट बॉइलिंग पॉइंट। करें यहां पर टीबी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और टीबी की बात करें तो क्या आ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन।
हमने 1 atm यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही हमने बताया है कि जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसलिए मैंने आपको बताया टीबी नॉट, आपको बता दिया टीबी। अब ये जो बीच का डिस्टेंस है यानी जो ये है, ये जो पॉइंट है, इसे हम क्या बोलेंगे, डेल्टा टी। ठीक है, चेंज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, डेल्टा टी। आई बात समझ में, इसे हम बोल देंगे डेल्टा टी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना आ जाएगा, पीबी माइनस पीबी नॉट। ये हमारा आया इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट का एक्सप्रेशन, यानी हम बोल सकते हैं इसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बीपी लिख देती हूँ मैं, आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे जो ये एक्सप्रेशन एक बहुत ही फेमस और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है, अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन में अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, ऐसे में हमें वेपर प्रेशर इंक्रीज करना है और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करना है, उसके लिए हमें टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा और ये पूरा ग्राफ यही बताता है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज हो गया। ठीक है, आप देख सकते हो, देखिए सीधी सी बात है, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, उससे क्या पता चला कि जो डेल्टा टीबी है, जो डेल्टा टीबी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल एम से। स्मॉल एम यहां पर क्या है, मोलालिटी, मोलालिटी। ठीक है, जो डेल्टा टीबी होता है यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, मोलालिटी का आपका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहां पर सॉल्यूट कैसे है नॉन वॉलेटाइल, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या होगा इन केजीज में। अब आप इससे क्या पता लगा सकते हैं कि जो डेल्टा टीबी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, दैट डिपेंड ऑफ सॉल्यूट एंड नॉट डिपेंड ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डायरेक्टली डिपेंड है किस पर, सॉल्यूट पे। तो ये क्या हुई प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाई। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाती हूँ डेल्टा टीबी का, तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू के बी एम, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा। केबी को हम क्या बोल सकते हैं, केबी का, केबी को क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट, और इसका दूसरा नाम है इब्यूलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, इब्यूलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। के भी होता है ये सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, ये टोटली डिपेंड है सॉल्वेंट पे। भाई बताती हूँ कि अगर के भी निकल के आएगा तो क्या निकल के आएगा, डेल्टा टीबी अपॉन एम। ठीक है, टीबी का क्या होता है यूनिट केल्विन, अपॉन मोलैलिटी की क्या होती है, मोल अपॉन केजी, क्या होता है मोल अपॉन केजी, मोल पर केजी। तो क्या निकल के आई इसकी यूनिट केल्विन, इसकी यूनिट केल्विन केजी पर मोल, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ केल्विन केजी पर मोल, ये इसकी यूनिट निकल के आती है केबी की। तो आई होप आपको ये पूरा पॉइंट समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ, आप यहां देखिएगा, इधर देखिए, अब हम बात करते हैं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी एम। ठीक है, ये हमारा निकल के आया, केबी के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब देखिए एम के बारे में हम अगर बात करें तो स्मॉल एम क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी एन टू अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, डब्ल्यू वन। ठीक है, केजी की बात करें तो ये लग जाएगा 1000। ठीक है, अगर बात करें केजी की, और स्मॉल एम की बात करें, एन टू का हम लोग क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू टू अपॉन एम टू डब्ल्यू वन, ये एक्सप्रेशन आया फाइनल हमारा मोलैलिटी। यहां पर मोलैलिटी की वैल्यू है हम यहां पर पुट करते हैं, क्या निकल के आएगा, डेल्टा टीबी केबी, मोलैलिटी की वैल्यू रखती हूँ मैं यहां पर, यहां से डब्ल्यू टू इन टू थाउजेंड अपॉन एम टू मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू। इस एक्सप्रेशन के थ्रू ये हमारा लास्ट एक्सप्रेशन आया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, और इस एक्सप्रेशन से आप एम टू
भी निकाल सकते हो, यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट भी आप निकाल सकते हो। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छी तरीके से आज समझ में आई होगी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ये लास्ट एक्सप्रेशन है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए थैंक यू सो मच।